प्रदेश निकाय से चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। निकाय आरक्षण के बाद बदले समीकरण, कई दिग्गज नेताओं के वार्ड बदले गए। अब दूसरे वार्डों में जगह पाने के लिए, जमावट के लिए ये सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं। आज निकाय और पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई, तो निकाय आरक्षण के बाद यहाँ पर सियासी समीकरण बदल गए। बहुत समीकरण यहाँ पर बदले, कई दिग्गज नेताओं के वार्ड बदल गए हैं। जाहिर है कि हलचल तेज हो गई, सरगर्मी तेज हो गई। आज के बाद कई अहम फैसले अब ये जाने लगे। कर्ण मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। कर्ण, किस तरीके की हलचल अब तेज हुई है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब निकाय और पंचायत चुनाव का आरक्षण तय किया जाएगा, बहरहाल आज ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न करी गई। और संपन्न होने के बाद कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें परिवर्तन देखने को मिला है। यही कारण है कि कई सीटें ऐसी जो हैं वो ओबीसी जो हैं वो अनरिजर्व्ड हो गई, और अनरिजर्व्ड सीटें जो हैं वो ओबीसी की हो गई हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आरक्षण प्रक्रिया में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि एससी और एसटी की सीटों में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। बहरहाल यही कारण है कि कई ऐसे दिग्गज जो हैं जिनकी सीट जो है वो बदल गई है, और यही कारण है कि अब उनको मैदानी स्तर पर उतरने के लिए, यानी कि कहा जाए चुनाव में उतरने के लिए, उनको अब अपने किसी दूसरे वार्ड में झांकना पड़ रहा है। और यही कारण है कि ये स्थिति महज अकेली ग्वालियर की नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर सभी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों में ये तस्वीर देखने के लिए सामने आई है। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश के अंदर कई दिग्गज नेता जो हैं वो अब इस पूरी व्यवस्था की जमावट में जुट गए हैं, क्योंकि उनको मैदान में उतरना है, यानी चुनावी मैदान में उतरना है, तो उनके बाढ़ के नहीं, अब उनको दूसरे के बाढ़ से उतरने की तैयारी करनी है। ऐसे में एक और उनके सामने चुनौती होगी कि स्थानीय वार्ड से अगर कोई चेहरा सामने होगा तो ऐसे में उनको कैसे उनसे सामंजस्य बिठाया जाता है, दूसरी ओर पार्टी की ओर से किस तरह से चेहरे तैयार करे जाते हैं। ये दोनों ही चीज के साथ में जमावट की पूरी तैयारी रहेगी, और कोई सामान्य दिग्गज नहीं, कई ऐसे दिग्गज जो हैं जो सीधे तौर पर कहा जाए जो महापौर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि चूंकि उनके वार्ड जो है वो रिजर्वेशन के आधार पर बदल गया है, तो उसके बाद अब हलचल यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण इस तमाम जानकारी के लिए।